पेपर कैसा रहा? अच्छा है। कितने नंबर बने? 129। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया स्कोर है भाई। अब तक का हमें बहुत हाईएस्ट स्कोर मिला है भाई, 129 नंबर। ठीक है, 129 नंबर है मैम। आप बताइए किस प्रकार से पेपर पैटर्न था और कहाँ से तैयारी की थी आपने? तैयारी मैंने एक्चुअली सीटेट की करी थी जी, लेकिन उसी के बेसिस पे पूरा किया। लेकिन एनसीईआरटी का जो है वो बहुत कम आ रहा है। मेरा जो स्कोरिंग रहा है वो ईवीएस का हटा के, ईवीएस जो है उसमें काफी लेंथी, मतलब ठीक है इनका कोई नहीं रोक रहा भाई एमपी टेट में होने से। ये बताइए मैम, ईवीएस में जैसा बोला जा रहा है पेडागोजी से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल ज्यादा आ रहे हैं, क्या यही रेशियो है? इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें क्या था, जैसे सीटेट में पेपर होता है आपके 30-30 क्वेश्चन करके डिवाइड दिया होता है, वैसे डिवीजन नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक साथ 150 क्वेश्चंस दे दिए, तो मेरे ख्याल से रेशियो थोड़ा कम डेफिनेटली रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन के आसपास तो होंगे, हो सकता है 15 भी हों। अच्छा, लेकिन मैं ये बताइए 1 से 30 तक किस प्रकार के क्वेश्चन थे? 1 से 30 पहले 1 से 30 तक हिंदी था, फिर इंग्लिश था, 30 से 60 तक, हाँ, फिर मैथ्स था, मैथ्स था, इनका 61 से लेके 90 तक, 91 से लेके 120 तक, फिर इंग्लिश एंड फिर ईवीएस एंड सीडीपी लास्ट, सीडीपी लास्ट में था। सीडीपी जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का था, क्या सीटेट लेवल का ही था या उससे ऊपर था? लेवल आप सेम कह सकते हो, क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आते हैं हर एक टेट में, चाहे आप यूपी टेट लोगे तो उनका पूछने का एक अपना तरीका होता है, एमपी टेट लोगे तो ये तो खैर काफी टाइम बाद हुआ है, हाँ, तो सबका तरीका डिफरेंट होता है, तरीका होता बस वही एक क्वेश्चन आया मैम सीटेट में, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबर आए थे बताइए? 137 नंबर सीटेट है भैया, बहुत भयंकर नंबर आया भाई, इनका तो होगा ही होगा भाई, और किसका होगा। बहुत बढ़िया मैम, और ये बताइए मैम इंग्लिश का पैटर्न कैसा था, जैसा आ रहा है पहले से आप रिव्यू वगैरह देखिए? प्रॉब्लम जो आ रही है वो खाली पैसेज, जो एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम लोग सीटेट देते हैं, यूपीटेट तो ऑफलाइन ही है जी, तो उसमें क्या होता है कि आपके पैसेज जिस साइड आ रहा होता है क्वेश्चंस होते हैं, जी, इसमें जी, क्या पैसेज पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नीचे, मतलब पैसेज ऊपर चला जाएगा, तो वो एक बोला जा रहा है कि पैसेज बड़ा आ रहा है, क्या बड़ा आ रहा है क्या पैसेज? पैसेज बड़ा नहीं है, तो? अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसा पैसेज आना चाहिए तो ऐसा तो आना ही चाहिए। अच्छा, बढ़िया नंबर है 129। सीडीपी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये बताएं मैम, जो हमारे पास डाउट आ रहा है। क्वेश्चंस मोस्टली आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, फैक्चुअल, अगर आपने फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाई होगी और शांत दिमाग से आप क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि आप सीटेट में पेपर देते हो तो मुझे ऐसा लगता है ना उसमें हम लोग 1 घंटे पहले पूरा पेपर कर लेते हैं जी, बट इसके लिए हमारे पास आधा घंटा बाद में खाली बचा था, तो इसमें एक्चुअली ठीक से शांति से बैठ के पेपर देने वाली बात है, सोच समझ के रिलेटेड नहीं, खेल से रिलेटेड आया ओलंपिक, लेकिन उसमें ये ईवीएस में स्पेस से क्वेश्चन आया जैसा बोला जा रहा है, हाँ, स्पेस चंद्रयान वगैरह से थे, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन, वायु प्रदूषण, मिट्टी वगैरह से क्वेश्चन, मिट्टी भी आई थी, वायु प्रदूषण भी आया था, सारे वही टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो कि हम जैसे कि अगर हम सीटेट करते हैं, हमने अगर एनसीईआरटी कर ली तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन बाई चांस बाहर आ जाए, लेकिन ईवीएस का जो कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन है ये एक्चुअली सिलेबस बेस्ड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीटेट एमपी बोर्ड की बुक से आ रहा है या फिर एनसीईआरटी बुक से आ रहा है, थोड़ा सा अलग आ रहा है, जो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा हार्ड आ रहा है ये मान सकते हैं, चल सकते हैं। 129 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, एमपी से ही आपने 129 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, एमपी से ही आपने? नहीं, मैं आगरा से, आगरा से है, यूपी से है, बहुत बढ़िया नंबर है, और यूपी इनके सीटेट में भी 137 नंबर है, बहुत बढ़िया। मैम आपका शुभ नाम जानने की कोशिश करेंगे? हर्षिका राणा, हर्षिका राणा इनका नाम है। बाकी आप लोगों के कोई अगर हिंदी में क्या क्या आ रहा है मैम ये भी बता दीजिए, एक बच्चे का डाउट है, पोएम है, पैसेज है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आ रही है, और इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा काम रह के पेपर देना है। ये बताइए जो आपकी पोएम और जो पैराग्राफ आ रहा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं? सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ग्रामर, आपने, हाँ, ग्रामर के उन्हीं में से आ रहे हैं, जैसे कि उसमें कोई भी वर्ड ले लेंगे उसमें से ही उसका पर्यायवाची पूछ लेंगे। अच्छा, अच्छा। या कोई भी संधि, समास और संधि का आज कोई क्वेश्चन नहीं था, सुबह था लेकिन, हाँ, लेकिन ग्रामर से रिलेटेड वही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ग्रामर, अलंकार वगैरह, छंद वगैरह? अलंकार नहीं था, लेकिन आज के में पर्यायवाची, विलोम शब्द, ब्लिंदा ब्लैंक्स, इस तरीके से ज्यादा, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा थे। और वैज्ञानिक और परिभाषा से क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीपी में? परिभाषा का कोई नहीं था, हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों से रिलेटेड थे, साइकोलॉजिस्ट थे।
साइकोलॉजिस्ट, माइक्रो टीचिंग पर भी कोई क्वेश्चन? हाँ, किस प्रकार के थे? मुझे ऐसे क्वेश्चंस याद नहीं, क्वेश्चन थे ये बता दीजिए। एक होगा मुश्किल से माइक्रो टीचिंग पे। तो अच्छा चलो, बहुत बढ़िया मैम, को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं लोग ईवीएस में। और ईवीएस में साइंस में आपके मिट्टी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, वो किस प्रकार का था क्वेश्चन मिट्टी का? मिट्टी का क्वेश्चन था कि जब हम मिट्टी का टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या चीज को हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें कलर जो है वो ऑप्शन होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, बाकी गणित में किस प्रकार के आ रहे हैं? गलत भी सही है, थोड़े से रीजनिंग टाइप भी हैं उसमें। मैथ्स में जो है वो थोड़ी सी रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चंस है, बट सब कुछ सिंपल है, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। गणित में सिंपल है बिल्कुल। सारे ही सिंपल है, पर ईवीएस जो है, मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे भी बहुत स्ट्रेस इस ईवीएस ने दिया था, क्योंकि ईवीएस जो है वो डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा जनरल नॉलेज इधर उधर से आप करते हैं तो आपका ईवीएस भी अच्छा जा सकता है। हालांकि मेरे जो मार्क्स कम आए हैं वो ईवीएस की ही वजह से आए, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं आपको उसकी, मेरा थोड़ा रहा है क्योंकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा स्टडी करती हूं। खेल से संबंधित मैम ने बताया था, ओलंपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। गणित में मैं टॉपिक पूछूंगा, परसेंटेज से कोई क्वेश्चन था? नहीं, रेशो था, ज्योमेट्री था। ज्योमेट्री में किस प्रकार के थे मैम? एंगल्स दिए हुए थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए थे। ट्राइंगल का पूछा हुआ था कि इन सेंटर जो है वो किससे बनता है। ओहो, मतलब काफी थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। बाकी पहले ये कुछ डिफिकल्ट नहीं। देखिए, जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो उसको ये चीजें पता होंगी, ये बेस है। मतलब इसके बिना फिर आप कंपटीशन कैसे निकालोगे? ये लोग पूछ रहे हैं आपने यूट्यूब के किस चैनल से स्टडी की? नहीं, मैंने यूट्यूब से नहीं पढ़ा है, मैंने सीटेट का मैंने कोर्स लिया था तो वो मैंने पढ़ा है, लेकिन वो भी इनफ नहीं था। मैं सारा सिलेबस से लेके फिर मैं एक पर्टिकुलर, या तो मुझे कोई एक बुक मिल जाए या मैं अगर मैं करती भी हूँ तो पर्टिकुलरली चीजों को सर्च करती हूँ। मेरे लिए पर्टिकुलर चैनल कोई नहीं, क्योंकि चैनल आप कोई एक पकड़ लेंगे ना तो कोई चीज कोई अच्छा करवाता है, कोई अच्छा करवाता है। बिल्कुल, तो वो आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जज करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको क्या कंटेंट सही मिल रहा है। अगर आप बनाती थी यूट्यूब पर पढ़ती थी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कभी नोट्स नहीं बनाते हैं। मैम कह रही है कि भाई जब भी वो पढ़ा करती थी तो वो नोट्स जरूर बनाती थी, जो भी उनका टॉपिक्स कमजोर होता था। कमजोर नहीं, जो स्ट्रॉन्ग है उसके भी नोट्स बनाने, क्योंकि उससे रिवीजन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, एंड टाइम पे आपको स्ट्रेस कम रहता है। 129 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, आगरा से बिलोंग करती है। और बुक वगैरह कोई बताएंगे मैम? बुक का क्वेश्चन आया रविंद्र जी का, बुक वगैरह कोई? बुक तो सर मैं खाली एनसीईआरटी जो है, मैं कंटेंट का जो है वो मैं बुक से करती हूँ, बाकी सारी आपकी जो है जैसे कि आपकी दी हुई होती है, आपको पता है कि थ्योरीज ये हैं, तो आप नेट पे भी डालोगे आपको दुनिया भर की चीजें उसमें से मिल जाएंगी। फिर आपको पेपर के अकॉर्डिंग उसमें से चूज करना है। मैं पर्टिकुलर बुक को नहीं लेती हूँ, मैं ये चीज मानती नहीं हूँ कि हर चीज में अच्छी दी हुई होती है। अच्छा अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। और ये एक बात बोल रहे, लैब में किस प्रकार के नंबर थे आपने जैसे पूछा होगा? मैंने तो 100 भी किसी के नहीं सुने अभी। 100 नहीं थे आपके, 129 थे। मतलब मैंने सबसे पूछा नहीं, सब आपस में बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी सबके 85, 85, 90 तक भी नंबर थे। हाँ, अच्छा चलो, बहुत बढ़िया मैम के 29 मार्क्स हैं। जनरल कैटेगरी है और आगरा से बिलोंग करती है, यूपी से।